invest in real estate, invest in real assets, because bank only provide loans on real assets. We just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up. हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू आरवी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। दिस टाइम अराउंड आपके लिए 300 गज का अल्ट्रा लग्जरी रेडी टू मूव इन फ्लोर लेकर आए हैं डीएलएफ फेज 2 बैंग ऑन ऑपोजिट साइबर हब एंड जस्ट 100-150 मीटर्स फ्रॉम द एनएचएच, द नेशनल हाईवे। सो ये वाला फ्लोर जो है इसकी एलिवेशन, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमें विनिशियन स्टाइल, थोड़ा सा विंटेज क्लासिकल लुक चाहिए, दिस इज द यूनिट फॉर यू। देन कम लेट्स चेक दिस आउट। एंड हाँ, एक और चीज़, जो लोग बोलते हैं कि भाई बिजली का क्या, पानी का क्या, भाई पानी की कोई समस्या नहीं है, बिजली का फुली पावर बैकअप है, सब मिलता है। आओ देखो, पसंद करो और ले जाओ। This is the main entry door and it has a door set security lock. You also have additional security lock by Alba. And then the lift is by Kone. This is the view of the staircase. Puri staircase pe sari walls pe texture paint ho rakha hai. And then this is the drawing dining. Beautiful chandelier. Here you can keep your dining. Just below the chandelier, and that's where you can keep your sofa. That's the textured wall. That's the highlighter wall with veneer and stone. And पूरे घर में आपको split ACs मिलते हैं by Panasonic. Fall ceiling पे आपको profile lighting दिखेगी अभी. All Italian marble. जितने भी sliders आप देखोगे वो सब जो window sliders हैं वो सब aluminium के हैं, no UPVC. Very well play around with the colors and the classical feel and look to it. Diamond polish Italian marble. Then this is the balcony, very well ventilated. That's your view from the balcony, lush green view and cyber up view, bang on opposite cyber up. Then beautiful planters, flooring pe granite aapko mil jayega. ACs ke output corner mein lage hue hain, not visible in the elevation. सीलिंग पे क्लैडिंग हो रखी है, देन जो वॉल है वो टेक्सचर्ड वॉल है। जस्ट लुक एट इट, लश ग्रीन व्यू। सुबह उठ के शाम को जब मौसम बढ़िया हो तो ऐसा ही व्यू चाहिए, घर से घर दिखे ना वो मज़ा नहीं आता, वो फील नहीं आती। नाउ लेट मी टेक यू टू द शाफ्ट एरिया। शाफ्ट एरिया भी देखो कितनी बढ़िया तरीके से प्रोवाइड किया गया है आपको। इट्स नॉट लाइक कि शाफ्ट है तो भाई उसको गंदा घटिया बना के छोड़ दो, प्रॉपरली दे हैव डन इट। आपका गैस सिलेंडर शाफ्ट में आ जाएगा, देन इवन फॉर वेंटिलेशन इट्स गुड। नाउ लेट्स एंटर रूम नंबर 1, द रूम विच इज इन द फ्रंट विद द फ्रंट एडजॉइनिंग बालकनी। दैट्स द लुक एंड फील ऑफ द रूम, प्रोफाइल लाइटिंग, ग्रे टेक्सचर्ड वॉल। This can be your guest room or this can be your bachelor room. So whatever you feel like, just giving you my point of view. सारे sliders पे mesh मिलेगा आपको। There's the front balcony. Then there's the attached washroom. Artistic sink. सारी fittings Jaguar की हैं इसमें।
These are all textured tiles that you see on the walls. Ceiling mounted shower. This is the wardrobe section. सारे वार्डरोब्स में आपको सेंसर टच लाइट मिलेगी. लाइक वन व्हेन यू ओपन इट द लाइट विल स्विच ऑन, व्हेन यू क्लोज इट द लाइट विल स्विच ऑफ. सो दैट्स द लुक एंड फील ऑफ दिस पर्टिकुलर रूम. नाउ लेट मी टेक यू टू रूम नंबर टू. ऑन माय राइट इज द रूम नंबर टू. दिस रूम हैज ह्यूज वार्डरोब स्पेस दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू. एंड देन a very nicely done back paneling on the back wall of the bed. Again all Italian marble. जो beige और grey का mix होता है ना, ये बहुत classy लगता है और बहुत trending है. Then huge wardrobe space. Panasonic split AC. वेरी वेल डन फॉल सीलिंग एंड दिस इज द अटैच बाथरूम. इस बाथरूम का एक्सेस आपको अपने लॉबी एरिया से भी मिल जाएगा फॉर गेस्ट यूज. अगेन आर्टिस्टिक वन. काफ़ी अच्छा साइज है बाथरूम का. यू हैव फॉर वेंटिलेशन शाफ्ट में एक्सेस दिया हुआ है आपको विंडो. This is from where you can enter. Now from the lobby, let me take you to the kitchen area. So on my left is the kitchen. It's a U-shaped kitchen with storage that goes right up to the ceiling level. कुछ builders क्या करते हैं, 7 feet तक की storage दे देते हैं, ऊपर का खर्चा बचा देते हैं. इन्होंने वो नहीं किया हुआ. Then double sink. जितने भी आप पल्ले देख रहे हो सारे PU finish है. Chimney hob. Oven OTG. Fully fitted modular kitchen. That's the pantry area. Then this is the slider for ventilation. Shaft area access. यहाँ पर आपका double door fridge आ जाएगा. A very well done kitchen. Now let me take you to the back two rooms. दो कमरे तो आगे हमने देख लिए, अब दो कमरे जो पीछे की साइड पे हैं वो देखते हैं. This room number 3. Again हर कमरे में ना आपको बेड की जो बैक वाली वॉल है वो हाईलाइटर वॉल मिलेगी. मतलब कोई ना कोई पैनलिंग उस पर हो रखी होगी. मार्बल टाइल समथिंग और दी अदर यू विल गेट इट. और हर रूम से आपको क्या कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम द मिडल रूम आपको बैल्कनी एक्सेस मिलता है. You can see the sunlight. कितनी बढ़िया से धूप आ रही है. ये इसका अटैच बाथरूम है. अटैच बाथरूम में ही आपको क्लोजेट सेक्शन मिलता है. वेरी गुड साइज शॉवर क्यूबिकल. नाउ दिस इज द वार्डरोब सेक्शन. WC. Now let me take you to the final room, that is room number 4. This is the last and final room. Now let me take you to the bathroom of this particular room. That's the shower cubicle in the corner. The wardrobe section. There is a sensor touch light which I was talking about.
Now let me take you to the back balcony. This is the back balcony with the mesh door. आगे भी पीछे भी हर जगह आपको mesh मिलेगा. ये back balcony है आपकी utility के लिए. ये corner space है जहाँ पे आप आपकी washing machine लगा सकते हो. So guys, that's all from today's vlog. This property is worth 3.90 for the upper ground floor and the middle two floors are 3.75 CR each. So negotiable, on table, get the token money, let's deal it for you. And apart from this, फिर से मैं आपको बताता हूँ, full power backup, northeast facing property, 300 square yard, ready to move in DLF phase 2, bang on opposite Cyber Hub, Venetian vintage style elevation. You need everything, you'll get everything. So you just have to come, visit the property, view the property, call me on the number given below for more info. Do give a like, do subscribe, and until next time, hasta la vista. Artificial love.